जिंदाबाद 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 शेरे बिहार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूर्व जल संसाधन मंत्री, जनसंपर्क मंत्री, बिहार सरकार मंत्री संजय झा पूर्व में रहे हैं। आज उनको राज्यसभा सांसद के रूप में आप देख पा रहे हैं। सीधे तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर आज उनका सांसद बनने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहला आगमन है। और पहले आगमन पर हजारों हजार की संख्या में NH-57 पर उनके कार्यकर्ता, अलग अलग गांव से आए हुए लोग यहां पर शामिल हैं। हमने ग्रामीणों को भी देखा, संजय झा के प्रति प्यार स्नेह, जो उनके लिए अपने हाथों में एक छोटा सा माला लेकर आए हुए दूर दूर से बुजुर्गों को हमने देखा कि आखिरकार पूर्व के मंत्री संजय झा ने अपना कितना छाप छोड़ दिया लोगों पर, कितना स्नेह उन्होंने बटोर लिया मिथिलावासियों का। पटना से सुबह चले और दरभंगा में जैसे ही पहुंचे, बिठौरी से लगातार ढोल बाजे के साथ उनके मंत्री जो हैं, अभी पूर्व के मंत्री रहे मदन सहनी, वो और उनके सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नेता वो शामिल थे बिठौली में। उसके बाद हजारों की संख्या में NH-57 पर जो लोग हैं उनको आप देख पा रहे हैं, उनके गतिविधियों को देख पा रहे हैं। वो लगातार जिंदाबाद के नारे संजय झा के लिए लगा रहे हैं। मंत्री संजय झा जो रहे हैं पूर्व के, वो अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। आज देख सकते हैं यह जो तस्वीर है, सबसे पहले तस्वीर भारत उदय समाचार पर आप देख पा रहे हैं शिवधारा का, जिस शिवधारा पर पहले से ही तैयार उनका इंतजार कर रहे लोग, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन मंत्री संजय झा जो पूर्व के मंत्री हैं, वो जब भी अपने कार्यक्रम में आए वो समय पर आते थे। देख सकते हैं मंत्री संजय झा गाड़ी पर बैठ गए हैं। शिवधारा के बाद कैदराबाद, जैसे ही जहां जहां पूरा दरभंगा नगर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया है। सभी के हाथों में माला है, बुक्के है, फूल का बरसा हो रहा है। आगे हम आपको दृश्य दिखाएंगे, इंटरव्यू सुनाएंगे कि आखिरकार क्या क्या हुआ दरभंगा में। आज पूरे दरभंगा सड़क पर शहर में जो है, लगातार आपको बता दें कि आज के दिन मंत्री संजय झा का जोरदार स्वागत सम्मान हुआ है। और आज यहां पर उनके जो खासकर विधायक हैं बेनीपुर के, या फिर पूर्व के जो लोग हैं, वो सभी लोग मौजूद रहे हैं। आइए अब कवरेज दिखाते हैं और मंत्री संजय झा का स्वागत सम्मान हो रहा है, देख सकते हैं। आप लोग थोड़ा पीछे का जाके, पीछे का जाके। राज्यसभा सांसद संजय झा यहाँ पर आए हैं, आप लोग शिवधारा पर भारी संख्या में लोग हैं, क्या सब हुआ है यहाँ पर? आज हम लोग शिवधारा में भारी संख्या से हमारे पार्टी की ओर से कार्यकर्ता के द्वारा जो हर्ष उल्लास का जो आज आयोजन किया गया है, माननीय हमारे राज्यसभा सांसद संजय जी के लिए जो अभिनंदन समारोह हो या एक ऐतिहासिक समारोह हो, हम लोग को सबसे पहले ये खुशी हुई है। जो हम लोग तो अभिनंदन में जो अभी आए हैं और ये जो काफिला बहुत सारा अधिक देख रहे हैं, ये हम लोगों को दरभंगा की धरती के लिए ऐतिहासिक है। और माननीय सांसद जी के द्वारा जो हमारे जिला के लिए जो योगदान है, बहुत ही अपूर्व योगदान है। दरभंगा के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए इनका जो योगदान है, यह एक ऐतिहासिक योगदान उनका रहता है। हम आपको बता दें, इनके द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई है, ये पूर्व में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, और इनके द्वारा जितनी भी योजना चलाई गई है वह जन कल्याणी योजना है। हम आपको बता देते हैं, जो धरती पर गंगा जल को लाने के लिए भागीरथ जी का जो योगदान था, उससे कम आज हमारे मिथिलांचल, पूरे बिहार की धरती के लिए संजय जी जो गंगा जल की योजनाएं की जो काम किए हैं, बहुत ही अपूर्व काम है। क्या नाम है आपका? गंगा जल योजनाएं जो इनके द्वारा लाया गया है, नवादा में, फल्गु नदी में, राजगीर में, यह बहुत ऐतिहासिक इनका योगदान रहा। आप लोग क्या किए हैं, तो आप लोग मतलब क्या स्वागत किए हैं? अभी हम लोग मिथिला पेंटिंग के साथ और इनके फोटो के साथ आज हम लोग यहाँ ऐतिहासिक अभिनंदन को किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता झा, जिला परिषद उपाध्यक्ष, सह जनता दल जिला महिला जिलाध्यक्ष। चलो, थैंक यू। सांसद जी आए थे, क्या सब किए हैं?
देखिए आज खुशी की बात है, मिथिला पुत्र संजय झा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा सांसद बनाया और राज्यसभा बनने के बाद पहली बार मिथिलांचल के दरभंगा जिला की धरती पर आए और हम लोगों ने उनके नागरिक अभिनंदन समारोह के स्वागत में लाखों की संख्या में फूल माला के साथ उनका स्वागत किए। जगह जगह जो हम लोग आए हैं, जो हमारा रूट लेंथ था सिद्धारा होते हुए, ये स्टेशन होते हुए, दोनार होते हुए, अलगपट्टी होते हुए, हर जगह हम लोगों ने माननीय संजय झा जी को पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किए और बहुत ही अच्छा लगा। और हमने संजय झा जी से यह भी आशा कर रहे हैं कि जिस तरह से मिथिलांचल में उन्होंने विकास करने का काम किया है, अब दिल्ली में वो गए राज्यसभा बन करके यहाँ भी विकास करेंगे, यही उनसे आग्रह भी किए हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किए हैं। आज का एक ऐसा बेटा है जो दरभंगा जिला आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जल से तबाह रहते थे बाढ़ से, लेकिन यह विकास पुत्र जो कुशेश्वर ऐसे जगह पे बाढ़ आने का नाम नहीं ले रहा है, 2.5 वर्षों से आपने देख रहे होंगे बाढ़ आने का नाम नहीं ले रहा है, जल उनसे डरने लगा, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते। वह बेटा का नाम संजय झा जी है जो राज्यसभा सांसद बने हैं। ये बताएं कि जगह जगह जो कार्यक्रम किया गया था कौन कौन थे और इसमें एक ही जिला के लोग थे या अलग अलग जिला के लोग थे? देखिए आज जिला जनता दल यू की द्वारा स्वागत किया गया है जो बन के आए हैं राज्यसभा से। हम लोग ने दरभंगा जिला जनता दल यू की ओर से 18 प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष के साथ सभी प्रकोष्ठ के साथ पूरे जनता के साथ हम लोग ने पूरे जिला से लाखों लाखों की संख्या में माननीय संजय झा जी का अभिनंदन किए हैं, स्वागत किए हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत, क्या बताएं आपको, खुशी से रहा नहीं जा रहा है। अच्छा। इसलिए नहीं रहा जा रहा है सर कि माननीय संजय झा नहीं है, हमको लग रहा है इस युग में कोई भगवान है। जिस तरह से उन्होंने 2-3 साल में काम किए हैं, आप देखिए, आपको जानना है, देखिए आप उनसे हम लोग सीख रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट उन्हीं का लाया हुआ, आज एम्स की लोग बात करें उन्हीं का दिया हुआ है। आज हम लोग, हमारी माँ, आपकी माँ बहन सिमरिया धाम जाते हैं मास करने के लिए, और सिमरिया धाम में जो वो कर दिए हैं, हर की पौड़ी की तरह उन्होंने सजा दिए सिमरिया धाम को, वो देखिए। गया में देखिए, हम लोग पिंड दान करने के लिए जाते हैं, वहाँ गंगा जल की कमी रहता है तो वहाँ गंगा जल पहुँचाने का, उसका नाम संजय झा है। उनके बारे में क्या कहें? क्या नाम हुआ आपका? कमलेश मंडल, जिला प्रवक्ता जदयू दरभंगा। कितना खुशी हो रहा है आज सांसद यहाँ पर आए हुए, राज्यसभा सांसद, आप लोगों ने क्या क्या किया है और क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोग बड़े उत्साह के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ ही माननीय नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा जी के अभिनंदन समारोह में जोश और खरोश उमंग के साथ लगे हुए थे और बहुत ही मस्ती के साथ पूरे शहर में लोगों ने धूमधाम के साथ उनके पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में खुशियां उनके राज्यसभा बनने पर मनाई गई है। क्या सब किए हैं? जगह जगह उन्हें रोक करके फूल माला, ताज चादर, पुष्प गुच्छ के साथ उन्हें स्वागत किया गया। सारे लोग वहां से झूमते हुए बैंड बाजे के साथ, नगारे के साथ यहां आकर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुई है, अभिनंदन समारोह उनका स्वागत हुआ है। इसमें हजारों हजार कार्यकर्ता पूरे शहर में लबालब थे उनके स्वागत के लिए। आप लोग कहां कहां स्वागत किए हैं? हम लोग आयकर चौराहा से अपने समर्थकों के साथ उन्हें स्वागत कर, वहाँ से आयकर चौक से श्यामा माई गेट के पास, सर्वे ऑफिस के पास, आयकर चौराहा के पास और म्यूजियम गुमटी के पास करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ दिल्ली यहाँ पहुँचे हैं। कैसा नेता थे आपकी नज़र में, कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है कि आगे मिथिला को काम करने वाले, मिथिला पुत्र है, मिथिला के विकास पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। जब से दरभंगा में अपना कर्म क्षेत्र हमारे संजय बाबू ने बनाया, मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया और राज्यसभा बनकर के मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनेंगे और यहाँ के मिथिला के विकास के लिए, रोजी रोजगार के लिए यहाँ उत्कल कारखाने, उद्योग धंधे लगाएंगे। बहुत जल संसाधन विभाग में मंत्री के रूप में उन्हें इतने काम किया है जो कहने की गिनती जो आप करेंगे वो क्या क्या नाम है आपका? अंजीत चौधरी, जदयू का प्रदेश। बेनीपुर प्रखंड के शिवराम पंचायत से हैं। हाँ, क्या कहेंगे संजय जी के बारे में? और आज निर्वाचित हुए हैं माननीय संजय झा जी, राज्यसभा सांसद बने हैं, उनको हम लोग अभिनंदन समारोह में भाग लिए थे। भाग लेने के बाद उनको प्रखंड से जाके शोभन में उनका स्वागत किए, शोभन से उनको फूल की बारिश होना चालू हुआ और लाखों लाख की संख्या में जनता पहुंच के यहां दरभंगा में स्वागत करने के लिए ऑडिटोरियम में आके अभिनंदन किया।
क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार राय बिट्टू। कहाँ से आए थे? जदयू नेता बेनीपुर। संजीव बाबू, हम लोग जिंदाबाद।